अच्छा भाई, बीवी की ख्वाहिश पर सीने के बाल साफ करना, अगर किसी की बीवी इसके सीने के बालों को या जिस्म के दूसरी जगह के बालों को पसंद ना करती हो तो क्या वो इन्हें हमेशा के लिए कटवा सकता है या नहीं? मोहम्मद शाहिद कानपुर से। मर्द जो है ना, सीने के बाल या कहीं और जिस्म में जो टांगों वांगों के बाल होते हैं, ये तो मर्दों के होते ही हैं और हमने कभी नहीं देखा सदियों तक मर्दों ने इनको काटने की कोशिश की हो, कभी भी नहीं। अब मर्दों में रिवाज चल पड़ा इन बालों को काटने का, तो इसकी ज्यादातर वजूहात तो होती हैं जो जिनमें निस्वानियत होती है ना, वो ये बालों को काटते हैं, वरना मर्द तो नहीं काटते। ये बाल तो हमेशा से रखते ही आए हैं, जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर मर्दों को सीने पर बाल दिए या टांगों पर बाल दिए, तो वो खवातीन की तरह वो भी शुरू हो गए हैं आजकल बालों को साफ करना। तो पता नहीं क्या मकसद है उनका। बाज मर्द ये कहते हैं कि हमारे सीने के बाल इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि उसमें पसीना जम जाता है, बदबू आती है, तो भाई रोज नहा लिया करो। लेकिन बहरहाल इन बालों के काटने या ना काटने के बारे में हमारे पास शरीयत में कोई वाज़ह हदीस या कुरान की आयत मौजूद नहीं है। इतनी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपको मिशाल खान चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, बीवी के ख्वाहिश पर सीने के बाल साफ करना, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये तगयीर खल्किल्ला, अल्लाह की तखलीक को बिगाड़ना, ये हराम है। तो कोई मर्द अगर निस्वानियत के लिए, औरत बनने के लिए, कि मैं लेडीज थोड़ा जरा सा ऐसा चमकता हुआ नजर आऊं, तो इस तरह औरत बनने के लिए वो ये काम करता है, यानी औरत तो नहीं बन सकता। यानी औरतों की तो नीयत ये होती है ना कि जो है वो खूबसूरत बनना, तो मर्द अगर ये काम खूबसूरती के लिए कर रहा है कि मैं देखने में औरत जैसा नजर आऊं, खूबसूरती से मुराद निस्वानियत वाली खूबसूरती, तो फिर तो ये बिल्कुल हराम है। लेकिन अगर उसकी कोई और मसलत है, जैसे बॉडी बिल्डर वो इसलिए करते हैं उनको मुकाबले में अपने कट्स वट्स दिखाने होते हैं, हमें तो ये काम भी बड़ा बेहुदा सा लगता है, लेकिन खैर, तो कोई और नीयत है या पसीना जम रहा है उसमें इस नीयत से बाल काटते हैं, तो इनकी बेगम की ख्वाहिश है कि बाल काटो, तो शायद उनको बदबू आती है उन बालों से, तो अगर कोई माकूल वजह है तो काटने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये काम इतना मजेदार है नहीं, पसंदीदा काम है नहीं, क्योंकि इसका रिवाज जब मर्दों में आएगा तो निस्वानियत फैलेगी। इससे जायज है इन तमाम तफसीलात की रोशनी में, लेकिन बेहतर नहीं है। जो चीज जिस तरह सदियों से चली आ रही है उसको चलने दें। हां, अगर सीने के बाल बहुत बड़े हुए हैं और बीवी को उससे तकलीफ होती है तो फिर एक अलग बात है, उसको काट सकते हैं। बीवी को तलाक। और दूसरी बात यह भी है कि हमेशा के लिए, तो भाई हमेशा के लिए तो क्या पता आपकी बेगम का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, फिर आपको दूसरी शादी करने की जरूरत पेश आए, तो फिर वो नई वाली बीवी आए उसको बाल, वो कहे कि भाई मर्दों के तो बाल होते हैं जिस्म पे, आपके तो बाल ही नहीं है, मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए जो जिसमें बाल वाला बंदा चाहिए, और आप फारिगुल बाल हो गए, तो हमेशा के लिए ना काटें। मेरा ख्याल है उसको जो है वो एक ऑप्शन रखें। अब आपकी बेगम कहेंगी कि क्या मैं मर जाऊंगी, आपने ये समझा हुआ है कि मैं मर जाऊंगी, तो आप बताएं कि जो है मुझे उम्मीद है तुम नहीं मरोगी, लेकिन जैसे मैं भी तो मर सकता हूं ना, तो तुम बेवा हो सकती हो, तो ऐसा उल्टा भी तो हो सकता है ना, तो आप उनसे कहें कि 50% मेरे मरने के इम्कान है, 50% तुम्हारे मरने के, बल्कि और एहतियात में यूं कहें कि बेगम 75% मेरे मरने के इम्कान है, क्योंकि मैंने ज्यादातर औरतें बेवा होते देखी हैं, मर्दों की बीवियां की रिपोर्ट मरने की जरा कमी है, तो आप कहें कि 75% मेरे मरने का इम्कान है, 25% तुम्हारा इम्कान है, बल्कि यूं और एहतियात कर लें कि 75% मेरे मरने का इम्कान है, 24% तुम्हारे मरने का इम्कान है, और 1% हम दोनों के इकट्ठे मरने का इम्कान है कि एक। तो नाजरीन, मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलें। 25% इस बात का इम्कान है कि इकट्ठे ही मर जाए, तो अब वो उस 24% की वजह से मैं एहतियात कर रहा हूं कि भाई हमेशा के लिए ना निकालूं।